आज मैं आपको टी टाइम स्नैक्स हेल्दी मठरी बनाने बताने जा रही हूँ, जो बहुत टेस्टी और हेल्दी होगा। तो चलिए बनाने चलती हूँ। मठरी बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ 2 बाउल मैदा। इसमें डाल रही हूँ 1 बाउल गेहूँ का आटा। आप केवल मैदा में भी बना सकते हैं और केवल आटा में भी बना सकते हैं। उसमें ले रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन क्रस्टी भी, थोड़ा सा मंगरेल यानी कलौंजी, नमक स्वादानुसार, 2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब ले रही हूँ कसूरी मेथी, घी का मयन, घी या ऑयल आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, लेकिन इसको मैंने लिया है गरम, थोड़ा सा करके लिया है। अब इसको अच्छे से मिला लूँगी। साथ में घी और ले रही हूँ। ये अच्छे से घी ऑयल यानी सारी सामग्री को अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद मैं इस तरह देख रही हूँ, ये देखिए इस तरह मक्खी बन रहा है। अब थोड़ा सा पानी की हेल्प से इसे भून लूँगी, एक टाइट सा डो बना लूँगी। ये एक टाइट सा डो तैयार हो गया। इसको मैंने 5 मिनट अच्छी तरीके से खूब भून लिया है। ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा घी का है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखती हूँ। अब 5 मिनट सेट हो गया है ये डो। अब मैं इस पर मठरी बनाऊँगी। अब इस तरह इसको बेलते रहेंगे, बहुत पतला सा अच्छा सा बेलना है। अगर आपको हेल्प लेना हो सूखे मैदे का तो आप इस तरह हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको नहीं बेलता तो थोड़ा सा सूखा मैदा की डस्टिंग करके आप बेल सकते हैं। इस तरह इसको बेलने के बाद ये देखिए हल्का सा पतला बेला है, जैसे चपाती होता है। बेलने के बाद इसको स्क्वायर में कट कर लूँगी। ये जो एक्स्ट्रा है इसे फिर से बेल लूँगी। अब इसको भी स्क्वायर में कट करना है। ये देखिए इस तरह स्क्वायर में मैंने कट कर लिया। अब देखिए कैसे फोल्ड करती हूँ। ये लिया मैंने थोड़ा सा पानी की हेल्प, ये फिंगर्स में हल्का पानी लगाया और पानी यहाँ पे रख के इस दोनों को कॉर्नर को ज्वाइन करूँगी। इन दोनों कॉर्नर को ज्वाइन कर लूँगी और इन दोनों को पकड़ के इस तरह मिला दूँगी। ये देखिए कितना अच्छा सा शेप आ गया। इसी तरह सारे को ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए दोनों तरफ पानी की हेल्प और ये कॉर्नर को ज्वाइन किया और इन दोनों कॉर्नर को इस तरह पकड़ के ये पानी की हेल्प से इसे पुश करना है, दबा देना। ये देखिए इसी तरह एक एक करके मैं सारा कर लूँगी। मैंने कढ़ाई में घी रखा है, ऑयल गरम हो गया है। अब इसे चेक कर ली, अच्छे से गरम हो गया है। मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है। अब इसको सारे को डीप फ्राई कर लूँगी। अब इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे करारी सी क्रिस्पी गोल्डन मठरी तैयार कर लिया, फ्राई कर लिया। अब इसे बाहर निकाल दूँगी। इसी तरह एक एक करके सारी फ्राई कर लूँगी। ये चाय के साथ खाने वाली टेस्टी और हेल्दी मठरी बनके तैयार हो गई है। आप इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए। अगर आपको पसंद है तो आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।